आइए अब जनाबे कारी मुस्लिम साहब नागपुरी के इस्तकबाल इन चार मिसरों के साथ के सुखन को रंगे उलूम फुनून मिलता है, तने अदब को ताजा खून मिलता है, जिसे यकीन ना आए वो तजर्बा कर ले नबी की नात से कितना सुकून मिलता है। डैश पर तशरीफ फरमा बावकार उलमाए किराम मेहमानान इज़ाम सामईन मोहतरम अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का तालीमी बेदारी इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस का प्रोग्राम गंगोरी मुनसिपलिटी का माशाल्लाह बहुत खूबसूरती के साथ ये प्रोग्राम का आगाज हुआ। मैं शुक्रगुजार हूँ अपने करम फरमा हाफिज वकारी मोहम्मद पैगाम साहब का, जिनकी तवस्सुत से पहली बार आपके बीच मेरी हाजिरी हुई है। माशाल्लाह आज के इस प्रोग्राम की सदारत फरमा रहे हैं अलहाज हजरत मुफ्ती एजाज अहमद साहब और जेर सरपरस्ती अलहाज मास्टर जमील अख्तर साहब और खूबसूरत निजामत के फराइज अंजाम दे रहे हिंदुस्तान के मशहूर नकीब नकीबे हिंदुस्तान हजरत मौलाना नेमतुल्लाह रहमानी साहब। आइए हजरत नाते पाक का एक मतला यहाँ से आपकी खूबसूरत समातों के हवाले करता हूँ। डैश पर तशरीफ फरमा ये उलमाए किराम इन तमाम की दुआएं लेते हुए एक खूबसूरत मतला हाजिर करता हूँ। एक मरतबा दरूद पाक पढ़ लें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना व बारिक व सल्लम। सबसे अलग है देखो कि सबसे अलग है देखो जलवा सरकार का। एक मरतबा हाथों को उठा करके बोल दे सुभान अल्लाह माशाल्लाह। हाजिर करता हूँ कि सबसे अलग है देखो सबसे अलग है देखो जलवा सरकार का जलवा सरकार का। सबसे अलग है देखो जलवा सरकार का जलवा सरकार का। सबसे अलग है देखो सबसे अलग है देखो जलवा सरकार का। सबसे अलग है देखो जलवा सरकार का। अरे खाता है सारा आलम खाता है सारा आलम अरे सदका सरकार का। जिंदाबाद जिंदाबाद बहुत भाई सुभान अल्लाह सदका सरकार का। खाता है सारा आलम सदका सरकार का सदका सरकार का। आखिरी शेर हाजिर करता हूँ आप हजरत सुनना चाहते हैं तो हाथों को उठा करके बोले सुभान अल्लाह माशाल्लाह। ऐसे ही आप हजरत अपनी दुआओं और मोहब्बतों से नवाजे इंशाल्लाह अच्छे अच्छे अशआर सुनाने की कोशिश करूंगा। मुफ्ती साहब मौलाना नेमतुल्लाह साहब आपकी खास तवज्जो पेश करता हूँ समाज फरमा के सबसे अलग है देखो जलवा सरकार का जलवा सरकार का। माशाल्लाह आपका माइक बहुत अच्छा चल रहा है बहुत अच्छा। थोड़ी सी आवाज बढ़ा दे माशाल्लाह बहुत के जलवा सरकार का। के अजमत है कितनी ऊंची अरे देगा गवाही ये
बहुत खूबसूरत शेर हाजिर करने जा रहा हूँ कि अजमत है कितनी ऊंची देगा गवाही देगा गवाही अजमत है कितनी ऊंची अजमत है कितनी ऊंचे देगा गवाही अजमत है कितनी ऊंचे देगा गवाही अरे कुरान से पूछो तुम कुरान से पूछो तुम अरे रुतबा सरकार का कुरान से पूछो तुम सरकार का रुतबा सरकार का माशाल्लाह बहुत अच्छा आप हजरात सुन रहे हैं। यहाँ से चार मिसरे हाजिर करता हूँ इंशाल्लाह आप लोगों की मोहब्बतें मिली तो इंशाल्लाह और आप हजरत की खिदमत करने की कोशिश करूंगा। हाजिर करता हूँ समाअत फरमा के खुशनुमा होंठों पे मुस्कान अलग रखते हैं खुशनुमा खुशनुमा होंठों पे मुस्कान अलग रखते हैं रखते हैं रखते हैं खुशनुमा होंठों पे मुस्कान अलग रखते हैं मर्तबा अपना अलग शान अलग रखते हैं चौथे मित्र पे शरीफ हो जाइएगा कि खुशनुमा होंठों पे मुस्कान अलग रखते हैं मर्तबा अपना अलग शान अलग रखते हैं कि दिल में रखते दिल में रखते सदा शहर मदीना अपने अरे हम नबी वाले हैं पहचान क्या कहने भाई सुभान अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद बहुत खूब सुभान अल्लाह बहुत खूबसूरत कि हम नबी वाले हैं पहचान अलग रखते हैं हम नबी वाले हैं पहचान अलग रखते हैं आप हजरत जिस अंदाज में सुनेंगे वही सही अशआर सुनाया जाएगा आप हजरत की जिस जिस अंदाज से मोहब्बतें मिलती जाएगी इंशाल्लाह अच्छे अच्छे कलाम आप हजरत को सुनाने की कोशिश करूंगा एक मर्तबा दोनों हाथों को उठा करके बोल दे सुभान अल्लाह माशाल्लाह यहां से एक मतलब खूबसूरत मतलब हाजिर करता हूं मुफ्ती नेमतुल्लाह रहमानी साहब आपके खास तवज्जो बिल्कुल बहुत ही खूबसूरत मतलब हाजिर करता हूं समाअत फरमा बहारे अरशे बहारे अरशे कानाया बुजीना हम भी देखेंगे अच्छा लग रहा है तो हाथों को उठा करके बोले बोले माशाल्लाह बहारे अरशे कानाया बुजीना हम भी देखेंगे के बहारे अरशे
बहारे अरश का नाया मुदीना हम भी देखेंगे के बहारे अरश का नाया तो मदीना हम भी देखेंगे। आए बाबा सुभान अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद बहुत उम्दा मतलब भाई सुभान अल्लाह बहुत खूब। इतनी मेहनत नाजिम कर रहे हैं, थोड़ी सी अगर आप मेहनत कर दें तो इंशाल्लाह इनका बोझ हल्का हो जाएगा। माशाल्लाह अल्लाह आपको सलामत रखे। मैं बहुत सारा प्रोग्राम पढ़ने का मुझे मौका मिला और मिल रहा है। मैं इस ताक में था, फिराक में था, इस कोशिश में था कि मौलाना निमतुल्लाह रहमानी साहब के साथ कब मुझे मेरा प्रोग्राम आएगा। अल्लाह ने कबूल कर लिया। हाजिर करता हूँ समाज फरमाए के मदीना हम भी देखेंगे बहारे अर्श का नाया बुजीना हम भी देखेंगे अगर अल्लाह ने चाहा तो मदीना हम भी देखेंगे। यहाँ से एक खूबसूरत शेर हजरत हफीज़ मौलाना मोहम्मद पैगाम साहब यहाँ पे तशरीफ़ फरमा है नहीं है, हाजिर करता हूँ समाअत फरमा के मदीना हम भी देखेंगे। अरे चमक से जिसकी रोशन है ज़मीन आसमां दोनों, चमक से जिसे की रोशन है ज़मीन आसमां दोनों, के चमक से जैसे चमक से जिंदाबाद जिंदाबाद चमक से जैसे की रोशन ज़मीनों आसमां दोनों, किसी दिन देख लेना वो नगीना हम देखेंगे नगीना हम भी देखेंगे। इस नाते पापा आखिरी शेर हाजिर करता हूँ मोहब्बतों के साथ समाअत फरमाए मदीना हम भी देखेंगे। अरे जहाँ जिब्रील आते हैं सलामी के लिए अक्सर, बिल्कुल तवज्जो बहुत ही खूबसूरत। अगर आप लोगों की दुआएं नहीं मिलेगी तो मैं समझूंगा कि मैं नाकाम हो गया। आप हजरत की दुआएं चाहता हूँ, हाजिर करता हूँ समाअत फरमाए के मदीना हम भी देखेंगे जहाँ जिब्रील आते हैं सलामी के लिए अक्सर।
अब हजरत मेरे तरफ देखें, मुझसे ज्यादा खूबसूरत तो यहाँ कोई नहीं है, क्योंकि मैं नाते नबी पढ़ रहा हूँ। एक मरतबा बोल देवा चल कर सुभान अल्लाह, बोले जोर से बोले एक मरतबा मतलब कर सुभान अल्लाह, हाजिर करता हूँ। जहाँ जिब्रील ले आते हैं सलाम के लिए अकेदर, के जहाँ जिब्रील का हसीना हम भी देखेंगे, बहारे नूर रहमत का हसीना हम भी देखेंगे। अगर अल्लाह ने चाहा तो मदीना हम हाजिर करके अपनी जगह ले जाऊं, हाजिर करता हूं समा फरमा के मदीना हम भी देखे। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह जिन लोगों ने अभी तक के मुझे दुआएं नहीं दी है, मक्का सुन करके इंशाल्लाह उनकी भी दुआएं मिलेंगी। हाजिर करता हूं के मदीना हम भी देखे, मुकद्दर में लिखा होगा तो जाकर वो जमीन मुस्लिम, मुकद्दर में लिखा होगा तो जाकर वो जमीन मुस्लिम, के मुकद्दर में बहुत अरे मुकद्दर में लिखा हो तो जा कर वो टपका मोहम्मद का पसीना हम भी देखेंगे। वाह भाई सुभान अल्लाह।